हेलो माय पावरफुल क्रिएटर्स, अमेजिंग मोमेंट जीने वाले लोग, अमेजिंग मोमेंट एंजॉय कर रहे हो डे टू डे लाइफ में। सजिटेरियस के माइंड में बहुत सारे जो क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं टैरो से एंड एंजल मैसेजेस से। सो सजिटेरियस के लिए कैसे रहेगा 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक का टाइम, देखते हैं टैरो से और एंजल मैसेजेस से। माँ सरस्वती का नाम लेकर आर्कएंजल माइकल की प्रेयर करते हुए हम सैजिटेरियस के लिए कार्ड शफल करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वांड, Six of Cup, the Magician। Angel message देखते हैं Sagittarius के लिए। Angel message क्या है? Recovery। You are ready। No need to worry। No। So, Sagittarius के लिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं इन 10 दिनों में। सबसे पहले हम तो ये कार्ड के ऊपर देखते हैं। सिक्स ऑफ कप, आपका सोलमेट, आपका लवर आपका राह देख रहा है। आप उनसे बात कीजिए, आपका कम्युनिकेट कीजिए, खुद को इतना भी मत बिजी कीजिए कि आपका लवर आपके साथ होते हुए भी वो आपके साथ में नहीं है। उनको अकेला मत फील करवाइए। कभी कभी आपके लवर के जो ब्लेसिंग्स जो आपके लिए हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से कम होते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए आपका रिकवरी का कार्ड आया है। आप रिकवर कीजिए आपके रिलेशनशिप को, आपके फैमिली बॉन्डिंग को, राइट। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आपका मनी फ्लो ग्रोथ होने के चक्कर में है, राइट। वो राउंड चक्कर होता है लाइफ का जो घूमते रहता है, सो वो है। और उसमें आपने खुद को बहुत बिजी कर लिया है, इतने सालों की, इतने दिनों की, इतने महीनों की, इतने हफ्तों की जो मेहनत है वो मेहनत अब रंग लाएगी। आपका करियर आपका बहुत सपोर्ट करेगा, बहुत आगे लेके जाएगा आपका करियर आपको। और आपका जो करियर है, राइट, उसमें आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलती है, बहुत सारी चीजें आपको अपडेटेड मिलेगी, राइट। आप कुछ नया चीज खरीदने के पीछे लगे हो, नई चीजों के पीछे भागना शुरू कर रहे हो, बट थोड़ा सा रुक जाइए, बिकॉज अभी ये आपका मनी का अबंडेंस बनाने का टाइम है। आप पैसे आने के पहले ही उसको खर्चने के बारे में मत सोचो, उसको बाद में सोचो। सबसे पहले पैसा, धन, आपका दौलत, आप कैसे सेव करके रखोगे, आपके पास कितना वो समेट के रहने की ताकत बनाते हो, उसके ऊपर काम कीजिए। मैजिशियन का कार्ड आया है। मैजिशियन का कार्ड कहता है आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो आप टारगेट आपके दिमाग में बिठाए रखे थे, वो बिठाया हुआ टारगेट को अभी आपको रेडी करना है। उसके लिए आप खुद रेडी हो, आपको उसको आगे जाना है। कभी कभी हम एक बड़ा टारगेट के ऊपर जब काम करते हैं, सो उसके ऊपर से हमें टेंशन नहीं लेना है, हमें उसके लिए वरीड नहीं होना है, इसीलिए आपको नो नीड टू वरी का कार्ड आया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड कहता है, क्वीन ऑफ वॉन्ड में जो एनर्जीज दिखाई देती हैं, जो पैशनेट दिखाई देता है आपके काम के लिए, आपके करियर के लिए, वो बहुत अच्छा यहाँ पे मुझे फील होता है। एंड आपका जो रिलेशनशिप जो स्लो स्लो चालू है, जो आप अब्सेंटी लगा रहे हो आपके लव में, वो लव को आप समझिए, बिकॉज हमें सारे लाइफ को बैलेंस करना होता है। हमें लव लाइफ को भी बैलेंस करना है, फाइनेंशियली लाइफ को भी बैलेंस करना है, एंड फैमिली, हेल्थ, करियर, सबको एक लेवल पे बैलेंस करते हुए हमें चलना है। बिकॉज लव रहेगा तो काम करने का मजा आ जाएगा। तो जब हमारा लव ही हमारे साथ नहीं है, वो फिजिकली है, मेंटली आपके साथ नहीं है, सो आप उनको मेंटली बातें कीजिए, आप उनको ओपन अप कीजिए। जो आपका जो लव था उनको बहुत सारी बातें आपको शेयर करनी है। देर वेटिंग, दे होल्ड अ हैंड फॉर यू, कि हम वेट कर रहे हैं आपका।
तो सजिटेरियस थोड़ा सा आपके बाउंड्रीज को आप तोड़िए, सारे चीज़ों को समेट लीजिए, परफेक्ट टाइमिंग पे परफेक्ट बातें करिए। परफेक्ट टाइमिंग के ऊपर आपका बहुत सारा काम होने वाला है, आप ऑलरेडी उसके ऊपर रेडी हो। रिकवरी का नो का कार्ड आया है, सो बहुत सारे सिंपल सिंपल चीज़ों को इफ आप नो में लेके जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको ही तकलीफ होती है, आप ही मैनिफेस्ट कर लेते हो अच्छा भी और बुरा भी। तो जब वो बुरा आता है तो आपको उसको रिकवरी करने का तरीका, उसका वे, उसका सलूशन आपके पास होना चाहिए। सो आप उसके ऊपर काम कीजिए, यू आर एक्चुअल वॉरियर, आप रेडी हो, आप उस चीज़ के ऊपर काम कीजिए। कभी किसी चीज़ के लिए टेंशन ना लीजिए, नो नीड टू थिंक अबाउट अ डीपली नेगेटिवली। थैंक यू सो मच। इफ आपको कोई क्वेश्चन हो सो प्लीज मुझे व्हाट्सअप कीजिए, आई डेफिनेटली हेल्प यू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपका कोई प्यारा कमेंट या फिर आपका कोई क्वेश्चन चैट बॉक्स में डालिए। थैंक यू।